हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेट्यू। आज की वीडियो में अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली एकेट्यू यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है ये। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर वन से। तो यूनिट नंबर वन का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली यूनिट नंबर वन आपकी पूरी इंट्रोडक्शन बेस्ड है, तो उसमें पहले आपको करना है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना आप, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स पे इस पे आ सकता है। सेकंड जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस या फिर इश्यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली सेम ही इसमें आंसर लिखना है, चैलेंजेस या इश्यूज पूछ सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो दोनों ही क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। थर्ड जो टॉपिक है वो इवोल्यूशन या फिर हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इनके बारे में इसमें लिखना होगा। तो हिस्ट्री क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग की, इसमें वो हमें लिखना है। फोर्थ, पैरेलल कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इसको आप अच्छे से कर लेना। मे बी पॉसिबिलिटीज होती है पैरेलल या डिस्ट्रीब्यूटेड के डिफरेंस पूछ ले आपसे, या पैरेलल या ग्रिड का डिफरेंस पूछ ले, तो इसमें कई बार डिफरेंस भी आता है, और या फिर हो सकता है इंडिविजुअली आपसे पूछ भी ले पैरेलल या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना। लास्ट फिफ्थ टॉपिक है जो इलास्टिसिटी यानी कैपेबिलिटीज ऑफ श्रिंकिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ द रिसोर्सेज, तो ये आप अच्छे से कर लेना। इसके एडवांटेज में 4 पॉइंट्स है और डिसएडवांटेज में 4 पॉइंट्स है। तो यूनिट नंबर वन में ये मोर देन इनफ है आपके लिए। इसमें आपकी अप्रोक्स 90% से ज्यादा ही यूनिट कवर है, तो यूनिट नंबर वन आप कोशिश करना पूरी ही करो। बाकी ये 5 क्वेश्चन भी मोर देन इनफ है। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर टू की तरफ। तो यूनिट नंबर टू में पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है SOA यानी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। दूसरा टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, इसको REST बोलते हैं। इसमें भी टू टाइप्स होते हैं, रेस्टलेसनेस एंड रेस्टफुलनेस, तो उनको भी एक बार आप अच्छे से कर लीजिएगा। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये यूनिट नंबर सेकंड का, वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, किसी भी चीज के वर्चुअल इंस्टेंसेस को क्रिएट करना रिसोर्सेज के, वो वर्चुअलाइजेशन होता है। तो इसे आप अच्छे से कर लेना। इसके कुछ टाइप्स हैं वो आप देख लेना, इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, हर बार लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, तो इसको एक बार और अच्छे से कर लेना। एंड फोर्थ जो आपका टॉपिक है वो हाइपरवाइजर, मेनली ये वर्चुअलाइजेशन के अंडर ही आता है, इसलिए मैंने इसको अलग से भी लिखा है, क्योंकि ये 2-3 बार मुझे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिला है। तो वर्चुअलाइजेशन, उसके टाइप्स और हाइपरवाइजर, ये करने हैं आपको। फिफ्थ जो टॉपिक है वो पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल है, तो इसको एक बार देख लेना पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल क्या होता है, एक बार मुझे ये मिला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। एंड अब मूव करते हैं यूनिट नंबर थ्री की तरफ। तो यूनिट नंबर थ्री में पहला जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है NIST क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर। बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी की पर्सपेक्टिव से जो इसकी क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर है, वो आप एक बार, इसका डायग्राम भी है वो भी देख लेना, डायग्राम इंपोर्टेंट है। सेकंड, टाइप्स ऑफ क्लाउड में आता है ये पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड। थर्ड, सॉफ्टवेयर सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, ये आप बिल्कुल इन्हें तो बहुत अच्छे से करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है पूरे क्लाउड कंप्यूटिंग में, क्योंकि कहीं कई जगह आपको ये दिखेंगे SaaS, PaaS एंड IaaS, तो इनको आप अच्छे से करना, इनके डायग्राम्स भी देख लेना। इसमें सर्विस मॉडल है, क्या क्या ये ऑन प्रिमाइसेस सर्विस इसमें प्रोवाइड करते हैं, तो वो कुछ है, यानी कि रन टाइम सर्विस, स्टोरेजेस, हाइपरवाइजर एंड मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 9 इसमें टाइप्स के हैं प्रमाइसेस। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। एंड फोर्थ टॉपिक है वेरियस सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड फिफ्थ आपका टॉपिक है क्लाउड स्टोरेज सिस्टम यानी S3, इसको अमेजोन सिंपल स्टोरेज सिस्टम भी बोलते हैं, तो इसको एक बार आप जरूर करिएगा। एंड रेस्ट ऑफ ऑल नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे होंगे, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोट्स की डायरेक्ट लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी मूव करते हैं यूनिट नंबर फोर की तरफ। तो यूनिट नंबर फोर में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसोर्स प्रोविजनिंग। यूनिट नंबर वन में भी हम इसका बेसिक जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यूनिट नंबर फोर में इसकी डिटेलिंग है, तो इसको देख लीजिएगा। यूनिट नंबर टू आपकी वेरियस क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस है, गवर्नेंस चैलेंजेस भी कई बार आ जाते हैं, तो सेम इसमें ऑलमोस्ट टॉपिक है। थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है,
मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी IAM, ये मुझे 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है, यानी कि आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो ये एक बार आप जरूर करना अच्छे से, डायग्राम भी है इसमें, डायग्राम भी बना लीजिएगा। एंड फोर्थ है आपका क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड फिफ्थ है VM यानी वर्चुअल मशीन, इसको भी आप करना अच्छे से, इसमें भी डायग्राम है। अब मूव करते हैं अपनी लास्ट यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 5। बेसिकली आपने अपने थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा बिग डेटा, अगर बिग डेटा नहीं पढ़ा होगा IT वालों ने डेटा एनालिटिक्स पढ़ा होगा, तो ये इसको अगर आप रिवाइज करोगे तो सेम ये ही इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, बाकी एक दो टॉपिक अलग है। तो पहला जो टॉपिक है वो हडूप एंड मैप रिड्यूस, यानी HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूट फाइल सिस्टम, एक स्टोरेज सिस्टम होता, तो ये इजी इजी टॉपिक्स है, हडूप कर लेना आप क्या होता है, एंड मैपर फंक्शन, रिड्यूसर फंक्शन होता है, ये आपने बेसिकली बिग डेटा और डेटा इसमें पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी टॉपिक्स है, 10 to 15 मिनट्स में कवर हो जाएंगे, तो ये कर लेना। सेकंड है गूगल एप इंजन यानी GAE, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पूछ लेता है कई बार। ओपन स्टैक कर लेना, इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसमें डायग्राम है वो देख लीजिएगा एक बार। फोर्थ यूनिट है क्लाउड फेडरेशन की, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार आपसे लेवल्स पूछता है इसके, इसका एक ब्लॉक डायग्राम है वो पूछता, और क्लाउड फेडरेशन का क्या फ्यूचर हो सकता है वो आपसे पूछ सकता है। एंड फिफ्थ एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्चुअल बॉक्स, बेसिकली एक इसका एग्जाम्पल भी पूछ सकता है आपको, एनालिटिकल सैंड बॉक्स एक इसका एग्जाम्पल है, तो वर्चुअल बॉक्स क्या होता है वो एक बार देख लेना। इजी टॉपिक्स है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बाकी नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे, वहां से अगर आप चाहें तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स माय चैनल एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।